तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पहला पार्ट इन्होंने बोला दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र की यहाँ से लिख लो आप, तीव्रता कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा यदि 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम परिमाण का कोई आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा। फोर्स कैलकुलेट करके बतानी है इनको और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देखे, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। If 1.5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज इज पुट ऑन सेंटर ऑफ AB, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको दो चीजें निकालनी है यहाँ पर। अब जो है आप क्या करोगे, इसके बाद जो है आप देखो क्या करोगे, इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप देखो इसके बाद क्या करोगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखो क्या था कि वहां पर एक लाइन एक चार्ज था 3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज था और एक -3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज था। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए पहले सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पार्ट नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका हो गया सेंटर ओ, सेंटर कितना हो गया इसका ओ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, दो पॉइंट है आपके यहाँ पर ए एंड बी। तो हमको इस मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स यहां से अब आप लोग अगर एक चीज चेक करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी और यहां से आगे की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब ये प्लस का 3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, तो जब प्लस की वजह से आप यहां पर इंटेंसिटी चेक करोगे तो वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ईवन क्या आएगा आपका, ईवन आएगा आपका आउटर डायरेक्शन में। उसके बाद जो है यानी कि प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। और फिर आपका या माइनस का 3 माइक्रोकूलम चार्ज, माइनस के चार्ज की वजह से जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपकी होती है अंदर की तरफ, यानी E2 आ जाएगा। ऐसे एक आ गया आपका E1 और एक आपका आ गया E2, दो चार्ज आ गए आपके। दो चार्जेस आपके पास आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, जब दो चार्जेस आपके पास आ गए और दो इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्शन भी आपके पास कितनी आ गई, दो डायरेक्शन आ गए, एक आ गया आपके पास E1 और एक आ गया आपके पास E2। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देखो जो कुल तीव्रता आएगी, टोटल इंटेंसिटी, कुल तीव्रता आपके पास निकलेगी E = E1 + E2 करके निकलेगी। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर गिवन क्या क्या है, आपके पास गिवन है Q1 3 माइक्रोकूलम, इसको आप लिखोगे 3 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 गिवन है 3 माइक्रोकूलम माइनस का, तो इसको आप लिखोगे माइनस का 3 × 10⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस आपके पास इस सेंटर तक की गिवन है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितने गिवन है 10 सेंटीमीटर R1, तो इसको लिखोगे आप 10 × 10⁻²। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 लगाते हैं, माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए -6 लगाते हैं। इसके बाद आगे आपका R2, वो भी आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²⁺ मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो E1 का फॉर्मूला यहाँ से कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। फिर प्लस यहां से आपको कितना मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। दो चीजें आपके पास आ गई। अब यहां से आप एक काम करो, यहां से आप एक काम ये करो कि 1/4πε0 कॉमन कर लो, ब्रैकेट में आएगा आपका Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर। फ्रेंड्स पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है E = 1/4πε0 Q/R2। उसी का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, उसी का फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर यूज किया है। दो यहाँ पर क्या होगा, अब आप क्या करोगे 1/4πε0 की वैल्यू रखोगे, वो आपके पास कितनी आई है 9 × 10⁹ आई है। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁶, R1 की वैल्यू है 10 × 10⁻², प्लस जो Q2 की वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁶, माइनस का साइन हम लोग नहीं लेते हैं, R2 की वैल्यू है 10 × 10⁻²। अच्छा फ्रेंड्स अब यहां से देखो आप क्या कर सकते हैं, ये एक पावर पॉजिटिव है, ये पावर -2 है, तो -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा,
माइनस टू में से अगर प्लस बन जाएगा तो माइनस का वन बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आगे देखो क्या हुआ, 9 × 10⁻⁹, इसको लिखोगे आप 3 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁹ प्लस 3 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁹, यहाँ से बचेगा। इसको आप जब ऊपर प्लस को भेजोगे तो ये होगा −6 + 1, ये आएगा माइनस का 5, यहाँ से आपका कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। तो 9 × 10⁹, 3 × 10⁻³ कितना आया आपका यहाँ से, ये आया आपका यहाँ से माइनस का 5 प्लस 3 × 10⁻⁵। अब फ्रेंड्स ये दोनों 3 है, 3 × 10⁻⁵ और 3 × 10⁻⁵, जब पावर्स आपकी सेम होती हैं तो जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं। या तो फिर आप यहाँ से ऐसे करो, 10⁵ को आप कॉमन कर लो, ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3 + 3, कितना आएगा आपके पास 3 + 3। इसके बाद आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद E = आपको मिलेगा यहाँ से, E = कितना मिलेगा आपको यहाँ से, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो 9 × 10⁹ में से −5 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 × 3 और 3 = 6, 9 × 6 कितना हुआ 54 × 10⁴, और यहां से आपको मिलेगा 5.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में आपको मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो प्लस की वजह से तीव्रता आपकी E1 हो गई बाहर की तरफ, माइनस चार्ज की वजह से आपके पास जो तीव्रता हो गई वो भी हो गई आपकी अंदर की तरफ, तो एक अंदर की तरफ और इस वाले की वजह से बाहर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जब सेम डायरेक्शन होगी तो आपको यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों आप ऐड करके निकालोगे, वो दोनों क्या करोगे आप ऐड करके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε₀Q/r² होता है, तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने क्यू की जगह पर पहले चार्ज की वजह से हम लोगों ने Q1/r1 कर लिया, Q2/r2 कर लिया, 1/4πε₀ कॉमन कर लिया, उसके बाद सबकी वैल्यूज रखी और ये आपके आंसर आ गए। इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर बी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको यहां से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर बी करेंगे हम लोग। तो पार्ट नंबर बी में आपसे क्या कह रहा था, पार्ट नंबर बी में कह रहा था कि दोनों चार्जेस ये 3 μC है, और यहां से आपका ये माइनस का 3 μC है, दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के जस्ट बीच में। आप सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा था एक माइनस एक 3 μC और एक माइनस का 3 μC है, इन दोनों चार्जेस के जस्ट बीच में मिडिल पॉइंट पे, यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक और चार्ज रखा हुआ 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, तो ये डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी आपकी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसको बोल देंगे हम लोग FA, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसको बोल देंगे FB, ये O पॉइंट है तो FAO बोल दो, इसको FBO बोल दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से जो आपको टोटल फोर्स मिलेगी, टोटल फोर्स कितनी मिलेगी, आप इसको FA प्लस FB मिलेगी, दो फोर्सेस मिलेगी FA प्लस FB, तो फॉर्मूला FAO प्लस FBO मिलेगा। तो फॉर्मूला फोर्स का होता है कूलम्स लॉ से, ये प्लस 1/4πε₀ Q1 Q2 का मतलब हो गया Q1 और QO, यहां से आपका हो जाएगा Q2 और QO पर R स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर जो है आपका जो है आपके पास यहां पर Q1 जो है Q1 दे रखा है 3 μC, यानी 3 × 10⁻⁶ कूलम, QO कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, फिर Q2 कितना दे रखा है वो माइनस का 3 μC दे रखा है, उसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलम। दो चीजें आपने लिख ली, 1/4πε₀ और आर स्क्वायर कॉमन कर लो क्योंकि डिस्टेंस दोनों जगह पर 10 सेंटीमीटर, इस वजह से मैंने इसको आर स्क्वायर लिखा, R1 एंड R2 नहीं किया। ये हुआ Q1 QO प्लस Q2 QO। अब इसको लिखेंगे हम लोग 9 × 10⁹, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 × 10⁻², और 10 × 10⁻², 2 times हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। R कितनी है आपकी, R है 10 सेंटीमीटर, जब इसको 10 × 10⁻²² में कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ तो वो वैल्यू आप यहाँ पर कितनी बार पुट करोगे, 2 बार। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶ और QO की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹ प्लस। अब Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है यहाँ से 3 × 10⁻⁶ और QO की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹।
यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10^-2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10^1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर आएगी आपकी प्लस की 2, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। ए, इसको आप ऐसे लिखो, फिर 14 15 3 जा होता है 45, 4.5 हो गया आपका, 15 3 जा कितना होता है 45, और 10^10 आएगा आपका माइनस का 15। उसके बाद यहां पर भी आपका यही होगा, पावर सेम है तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये पावर आपकी आपकी 11 आ गई, ये पावर आपकी कितनी आई 11 आई, और ब्रैकेट के अंदर से मिलेगा 4.5 4.5, ये हो जाएगा 9 × 10^-15, 9 9 जा कितना हुआ 99 जो हुआ 81, और पावर यहां से मिली आपको माइनस की 4। F is equals to, फिर से आप यहां पर F is equals to कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 8.1 × 10^-3 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी था, क्वेश्चन नंबर 1.8 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, 4-5 के एनसीईआरटी के रह गए, फिर कुमार मित्तल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।